हेलो नमस्ते, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभी टेक गुरुजी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओप्पो A77 के बारे में। जी हां, ओप्पो A77 ताइवान में हो चुका है लॉन्च और इंडिया में भी आने वाला है। वो कब तक आएगा पता नहीं है, लेकिन जल्द से जल्द आने वाला है। तो इस वीडियो में मैं ओप्पो A77 का फीचर स्पेसिफिकेशंस का एक रिव्यू देने वाला हूं दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखना। सबसे पहले इसके डिस्प्ले की बात करें तो 5.5 इंच की फुल एच डी 1080x1920 का रिजोल्यूशन के साथ स्क्रीन मिलता है। इन सेल डिस्प्ले एक नया दिया गया है, उसमें डिस्प्ले पे लगाया गया है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 के प्रोटेक्शन के साथ आता है। ColorOS 3.0 जो कि उनका खुद का इनहाउस है वो लगाया गया है। तो दोस्तों ठीक है, डिस्प्ले के मामले में एक आपको अच्छा खासा डिस्प्ले मिल जाता है। अब वही प्रोसेसर की बात करूँ तो यार, ओप्पो वीवो जियो ने ये सब बाज नहीं आता अपने हरकतों से। तो ये फिर से प्रोसेसर इन्होंने MediaTek का ही MT6750 टी प्रोसेसर, यानी कि MediaTek का हीलियो का P10 का प्रोसेसर लगाया है, जो कि 1.5 GHz पे इसको क्लॉक किया गया है। माली का दोस्तों GPU लगाया गया है। तो यही है यार, MediaTek का प्रोसेसर है, वो क्यों उन्हें लगाता है स्नैपड्रैगन, वो उसी को पता है यार। पता नहीं क्यों उसको क्या दिक्कत है स्नैपड्रैगन से, वो हमेशा MediaTek का ही सड़ेला प्रोसेसर लगा के हमको दे देता है। दोस्तों अब कैमरा के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ओप्पो सबको पता है ओप्पो कैमरा फोन्स। तो जी हाँ, ओप्पो कैमरा फोन्स। तो A77 का भी कैमरा की बात करूँ, 13 MP का रियर कैमरा आता है, अपर्चर 2.2 के साथ आता है, PDAF दिया गया है, डुअल LED टोन फ्लैश दिया गया है, और साथ ही में जो सेल्फी कैमरा है वो है 16 MP का, अपर्चर F2.0 के साथ ये आता है दोस्तों। तो ठीक है, सेल्फी कैमरा आपको एक अच्छा सेल्फी कैमरा दे सकता है, वाइड एंगल दिया गया है। लेकिन जो बोल सकते हैं जो रियर कैमरा है, वो ओप्पो ऐसा बोल रहा है कि ये रियर कैमरा से अगर आप फोटो निकालते हैं तो आपको बैकग्राउंड मिलेगा ब्लर, आपको पोर्ट्रेट मोड में मिलेगा एक बुके इफेक्ट वाला एक अच्छा खासा फोटो। तो देखते हैं वो जब फोन आएगा तब टेस्टिंग करके पता चलेगा कि वो सच में बुके इफेक्ट देता है या खाली बोलने के लिए ही बुके इफेक्ट हमको मिलता है। अब दोस्तों बैटरी की बात करें तो 3200 mAh के बैटरी के साथ ये मिलता है। ज़्यादा बड़ा पावरफुल बैटरी नहीं है, ठीक ठाक बैटरी है, पर फीचर 3.0 का सपोर्ट दिया गया है। अब दोस्तों इसमें 4 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आपको मिलता है। जी हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ तो एंड्रॉयड मार्शमेलो आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। तो ये एक ड्रॉबैक है, नॉगट का शायद अपडेट आए, लेकिन आपको आउट ऑफ द बॉक्स मार्शमेलो ही मिलने वाला है। फिंगरप्रिंट सेंसर इसके रियर साइड पे दिया गया है, पीछे के साइड पे एंटीना दिया गया है, जो कि आपकी कॉल के लिए या फिर बोल सकते नेटवर्क्स के लिए दिया गया है। तो यही है दोस्तों ओप्पो A77, इसके प्राइसिंग की बात करें तो करीबन 23,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये के बीच में आने वाला है। ताइवान में हुआ है लॉन्च, ताइवान के प्राइसिंग के हिसाब से रहेगा करीबन 23,500 रुपये। तो यही है दोस्तों, 23,500 रुपये में अगर आप मुझे पूछेंगे कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मैं तो नहीं करूँगा। जिसको लेने का है, कल से प्री ऑर्डर शुरू हो रहा है, लेकिन वो ताइवान में है, इंडिया में शायद एक हफ्ते के बाद 26 या 27 से चालू होने वाला है सील। तो देखिए यार, मेरे हिसाब से तो मैं तो मना करूँगा MediaTek का MT6750 लेने से, अच्छा 23,000 रुपये का फोन अगर आपको ओप्पो लेना है तो ओप्पो F3 ले लीजिए। तो ये दोस्तों वीडियो, आशा करता हूँ आपको वीडियो अपडेट गुरुजी की तरफ से दिया गया पसंद आया होगा। हाँ तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना। सब्सक्रिप्शन का लोगो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, लोगों पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वन अपडेट गुरुजी के साथ बोलते रहिए, जय हिंद, पीस आउट।